वेलकम बैक टू ओजूज लाइफ। आज हम बहुत ही स्पेशल और यूनिक रेसिपी बना रहे हैं। अधिक मास आते ही हम चावल के अनार से बनाते हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो आपने अभी तक यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं देखी होगी। ज्वार और वीट के अनार से 1 कप वीट, 1 कप ज्वार और 1 कप राइस को मैंने 3 दिन भिगो कर रख दिया था। हर दिन उसका पानी चेंज करना है और फ्रेश पानी डालना है। और इस तरीके से हमारे तीनों इंग्रेडिएंट अच्छे से भीग गए हैं। 3 दिन के बाद इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा पानी है हमें छाननी की सहायता से निकाल देना है और सूती कपड़े के ऊपर सुखा लेना है। चावल तो 1 घंटे में सूख जाएगा, लेकिन ज्वार और वीट सूखने के लिए ज़्यादा देर लगती है। वीट को सूखने में ज्वार से भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमें क्या करना है, वीट को थोड़ा सा कढ़ाई गरम करके उसके ऊपर थोड़ा सा गरम कर लेना है बस, लेकिन उसमें थोड़ी सी नमी रहनी ही चाहिए। इस तरीके से सबसे पहले हम चावल को मिक्सी में से निकाल लेंगे और इसे छानने की सहायता से, मैदा छानने के छाननी से हमें इसे छानना है। अब हम निकाल लेंगे ज्वार को, इसे भी हमें अच्छे तरीके से छानना है। और जो ऊपर का पोर्शन है हमें इसमें यूज नहीं करना है, क्योंकि अनार से बनाते समय ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा पाउडर एकदम फाइन होना चाहिए। अब हम वीट को भी मिक्सी में से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पाउडर हो गया है। इसे भी हम छान लेंगे और ऊपर का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है फाइबर हम निकाल देंगे। आप इसे फेंकिएगा मत, डोसा बनाने में आप उसे यूज कर सकते हैं। तीनों को भी अच्छे से छान लिया है मैंने। अब हम इसमें ऐड करेंगे जैगरी को। 1 कप राइस, 1 कप वीट और 1 कप ज्वार, तीनों को भी 3/4 कप के हिसाब से ही जैगरी ऐड करना है। इस तरीके से हमें अच्छे से हाथ से मसल कर इसे मिक्स करना है। आप इसे अगर मिक्सी में निकालोगे ना फ्रेंड्स, तो ये मिश्रण हमारा पतला हो सकता है। आप इसे मिक्सी में से मत निकालिएगा। जब आप जागरी इसमें डालते हैं तो ग्रेट करके डालिएगा। तीनों इंग्रेडिएंट्स को भी हमें और एक बार 3 दिन रेस्ट करने के लिए रखना है। आप देख सकते हैं अच्छे से मॉइस्ट हो गया है हमारा पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे आवश्यकता के अनुसार कर्ड। थोड़ा सा कर्ड डालना है, ज़्यादा खट्टा नहीं चाहिए और ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए। थोड़ा सा डाल के, बहुत ही थोड़ा सा लगता है फ्रेंड्स, 1 टेबलस्पून इतना ही कर्ड मैंने डाला है। और हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और देख सकते हैं अब हम ज्वार का ऐसे ही तरीके से मिक्स करेंगे थोड़ा सा कर्ड डाल के। अनार सा बनाने के जो रूल्स होते हैं फ्रेंड्स, अगर हम करेक्टली फॉलो करेंगे ना तो हमारे अनार से कभी भी नहीं बिगड़ेंगे। इस तरीके से अब हम वीट का जो डो है हमारा उसे भी अच्छे से बना लेंगे। उतना ही कर्ड डालेंगे जितना हमें आवश्यक है। ज़्यादा कर्ड डालने से हमारा मिश्रण पतला हो सकता है और हमारे अनार से पिघल भी सकते हैं। डो को ज़्यादा जागरी हो गई तो अनार से पिघल सकते हैं। अगर कम जागरी हो गई तो हमारे अनार से को जाली अच्छे से नहीं आएगी। कंप्लीट 24 आवर्स रेस्ट करने के बाद हमारा डो परफेक्टली रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं अगर थोड़ा सा भी सख्त है तो थोड़ा सा कर्ड डाल के हम उसे परफेक्ट बना सकते हैं। इस तरीके से मैं आज आपके साथ ज्वार और वीट के जो अनार से है उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैं आपके साथ राइस के अनार से की रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि नॉर्मली हम तो वो बनाते ही है। पॉपी सीड्स और थोड़ा सा घी लिया है मैंने हाथ को लगाने के लिए। डो का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। सबसे पहले हम ज्वार के अनार से बनाएंगे। एक छोटा सा पोर्शन लेना है और हाथ से इस तरीके से गोल गोल घुमाना है और पॉपी सीड्स के ऊपर हमें इस तरीके से रोल करना है हाथ से, टिप्स के सहायता से। जो फिंगर के टिप्स रहते हैं
उसके सहायता से हमें उसे रोल करना है, मतलब फैलाना है। छोटा सा पोर्शन मैंने डाल दी है ऑयल में, अच्छे तरीके से निकल गया है मतलब नहीं फैला। तो अब हम अनार से बना सकते हैं। कोई बोलेगा कि ये ज्वार के अनार से है, तो देख सकते हैं परफेक्ट जाली आई है और कलर भी परफेक्ट गोल्डन ब्राउन आया है। जागरी की वजह से जो अनार से का कलर है बहुत ही अच्छा आता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको एक खास बात बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, हमेशा हम जो राइस का अनार सा बनाते हैं ना, उससे भी इसका स्वाद बेहतर है, बढ़िया है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, आपको ज्वार और वीट के अनार से की रेसिपी कैसी लगी। ये मेरी इनोवेटिव रेसिपी है फ्रेंड्स, इसके सामने आप राइस के अनार से को भूल ही जाओगे। तो देख सकते हैं एक भी अनार सा नहीं बिगड़ा है। राइस का तो अनार सा कभी कभी पिघल सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों भी अनार से नहीं पिघले। मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाए हैं, पहली बार बनाए हैं, उसके लिए मैंने बहुत इसे कम क्वांटिटी में बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरे अनार से रेडी हो गए हैं। ये है वीट का अनार सा, बहुत ही अच्छा बन गया है और टेक्सचर भी आप देख सकते हैं और जाली भी परफेक्ट आई है और टेस्ट में राइस के अनार से भी कई गुना ज़्यादा अच्छा है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, आप इसके दीवाने हो जाओगे। आपको ये रेसिपी यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी फ्रेंड्स, ये मेरी आज तक की सबसे यूनिक रेसिपी है। तो चलिए अब देखते हैं ज्वार का अनार सा। वीट के अनार से भी बहुत ही बढ़िया हो गया है। मुझे लगा ज्वार में उतना बाइंडिंग नहीं रहता, लेकिन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ज्वार का अनार सा वीट के अनार से भी अच्छा हो गया है। खास बात ये है फ्रेंड्स, राइस के अनार से वीट का अनार सा बढ़िया है, लेकिन वीट के अनार से जो ज्वार का अनार सा है लाजवाब है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग इनोवेटिव रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।